नमस्कार वीएली, आप सभी लोगों के लिए आज एक नए कोर्स के साथ जो सीएससी ने लॉन्च किया है भू कौशल के नाम से, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण कोर्स सीएससी ने लॉन्च किया है। और सीएसआर के तहत इस कोर्स के अंदर जो भी पंजीयन किया जाएगा वो जीआईएस के बारे में, आरएस के बारे में और जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर हम बात करें जीआईएस की यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, या फिर हम जीपीएस की बात करें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, वो सारी जानकारियाँ इस कोर्स के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं विशेषकर वो इस कोर्स में पंजीयन कर पाएंगी। अगर हम ये बात करें यह पाठ्यक्रम किसके लिए किया गया है, यह पाठ्यक्रम भारत के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए बनाया गया है, जिसमें जो प्रतिभागी है जो इसमें प्रवेश लेना चाहेगी उसकी जो आयु है वो 60 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में हो और आवश्यक जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ अंग्रेजी का बुनियादी ज्ञान उसके पास होना अनिवार्य है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार ये जो कोर्स है, जिन वीएली भाइयों को इस भू कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है, हर स्टेट में कुछ निर्धारित वीएलीज को इस कोर्स के लिए चुना गया है जो अधिकतम अपने क्षेत्र में 75 महिलाओं का और बालिकाओं का इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनकी आयु 16 से 40 वर्ष के बीच में होगी। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। सीएससी हमेशा से कुछ ऐसे नए नवाचार और ऐसे नए एजुकेशन के कोर्स हमेशा से लेके आता है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेषकर एजुकेशन से संबंधित अगर हम सर्विसेज की बात करें और अगर कौशल की बात करें तो भू कौशल ये जो कोर्स है ये सीएसआर के तहत ये कोर्स कराया जा रहा है जो पूर्णतः प्रतिभागी के लिए निःशुल्क होगा। वीएलई इसे रजिस्टर्ड करके और संबंधित महिला को रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड जो उसके मेल आईडी के ऊपर चले जाएंगे उसके बाद वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर्म के माध्यम से अध्ययन कर सकती है। और हम बता दें कि इसमें प्रायोगिक और थ्योरी यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें थ्योरी की तो इसमें 17 घंटे 20 मिनट का थ्योरी सेक्शन है और हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 12 घंटा 40 मिनट इसमें तकरीबन जो कोर्स का दिया गया है वो प्रैक्टिकल का दिया गया है। ऐसे लगभग ये 30 घंटे का कम्प्लीटली कोर्स है जिसे अलग अलग 5-4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसकी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि ये कोर्स किस प्रकार अनेबल होगा और कैसे इस चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे वीएलईज हैं जिनको ये जानकारी कैसे पता चले कि वो अपने क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम आप लोगों से साझा करते हैं कि किस प्रकार आप इस भू कौशल प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है, जो सीएससी पे डिजिटल सेवा पोर्टल है उसे आप यहां से लॉगिन करेंगे और डिजिटल सेवा पोर्टल की जो आईडी पासवर्ड है उसके साथ आप लोगों को अपना लॉगिन करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल को लिखा, देखो डिजिटल सेवा पोर्टल मैंने सर्च किया है सर्च बॉक्स में। इस तरीके से डायरेक्टली आप चाहो तो डायरेक्टली एड्रेस बार में लिखकर भी सर्च कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बताए हैं। यहाँ से फिर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद एग्जैक्टली अगर ऑलरेडी आपने इस पर लॉगिन किया हुआ है तो डायरेक्टली आपका डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ से लॉगिन हो जाएगा और आप इस तरीके से अपने डैशबोर्ड के ऊपर यानी कि आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसके डैशबोर्ड के ऊपर आप चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप प्रोफाइल देख सकते हो अपनी। अब बात यह आती है कि यहाँ से आप कैसे इस कोर्स में चले जाएंगे, आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में आप जाएंगे और यहाँ आपको एजुकेशन का कोई भी कोर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैं एजुकेशन या अकेडमी, आप सीएससी अकेडमी में भी यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। मैंने एक बेसिक कोर्स को लिखा, या आपको अगर डायरेक्टली याद है csacademy.org तो आप यहां से भी लिखकर डायरेक्टली आ सकते हैं। अब बात आती है कि आप यहां से किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे, तो आप यहां राइट हैंड में कॉन्टैक्ट अस वाले टैब पे जाके और सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंटर पे क्लिक करते हैं तो अगर आपने यहां लॉगिन वाले टैब पे जाके और सेंटर लॉगिन पे क्लिक करना, जैसे आप लॉगिन करोगे
तो आप लोगों से ये कनेक्ट विद डिजिटल सेवा का एक टैब डिस्प्ले होगा, यहाँ से आपको कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और इस तरीके से आपके सामने ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपका कंप्लीट डिस्प्ले होगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में जो मेन्यू आपको दिख रहा है उसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेबल हैं, जिस संबंधित VLE को भूकौशल के लिए चुना गया है उसका एक तरीके से नाम अगर उसका सेलेक्ट हुआ है तो वो यहाँ टैब में भूकौशल डिस्प्ले होगा, अदरवाइज उसके यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप किसी स्टूडेंट को जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूँ, ये जो फील्ड आपको यहाँ दिख रही हैं ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट सबमिट करनी है, उसके बाद संबंधित कैंडिडेट का आपको फोटो यहाँ अपलोड करना है और टिक पे क्लिक करके और आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये छोटा सा एक फोरम है जिसके माध्यम से आप एक किसी भी महिला का जो 16 साल से लेकर कोई बालिका 16 साल से और 18 साल के बीच में हो, या फिर हम बात करें उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 16 से और 40 साल दिया गया है, ये कंप्लीट जानकारी फिलअप करने के बाद जब आप इसे रजिस्टर्ड कर देंगे फिर बात आती है कि वो संबंधित व्यक्ति उसको किस प्रकार पढ़े। और अगर इस कोर्स से संबंधित और जानकारी आप चाहते हैं कि हमें इसकी और जानकारियां हमें पता चलें तो उसके लिए आप यहां जाएंगे और डिजिटल जो हमारा digipathshala.csceacademy.org इसको आपको लॉगिन करना है। जैसे आप इस URL को लॉगिन करेंगे आपकी होम स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार ये डिस्प्ले होगा। अगर आपने अपनी ID को लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ से आप उसे लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने लॉग आउट कर दिया और ये स्टूडेंट पैनल था हमारा। अब हम सिंपल डिजिटल इसका जो मेन डैशबोर्ड है डीजी पाठशाला का उसके ऊपर चले जाते हैं। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से बहुत से ऐसे स्किल्स के कोर्स हैं जिसे ब्राउज कोर्स करके आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो टैब क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और जैसे ये कुटुकी के बारे में दिया हुआ है, CSR के तहत जो COVID-19 का जो सर्टिफिकेशन कोर्स था उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, और देखो ये रहा भूकौशल जो हमारा GIS का जो ये कोर्स दिया हुआ है इसे आप यहाँ से टिक करेंगे। जैसे आप टिक करते हैं तो एक नया पेज आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है और यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए CSR के तहत ये भूकौशल प्रमाण पत्र जो कोर्स है वो CSC अकेडमी और ESRI जो है उसके तहत ये कोर्स कंप्लीट पूरे भारत में कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में जानकारी की कि ये कोर्स क्या है, किस तरीके से इसमें कितने यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए इस कोर्स को कम्प्लीटली ओवरव्यू जो है इसका फर्स्ट यूनिट दिया गया है, उसके बाद में लर्निंग के हमारे कम्प्लीटली इसे 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, लास्ट जो है इसका क्विज सेक्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब बात यह आती है आगे कि इस कोर्स के बारे में जानकारी, ये कोर्स क्या है, किस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए कोर्स का जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करके और एक ये कंप्लीट एक PDF की फाइल मैंने यहाँ से देखी है, जो हमारे पास ये PDF की फाइल है जो ट्रेनिंग मैनुअल हमें बताया गया है उसके बारे में पाठ्यक्रम जो हमारा है उसका जो विवरण है, करिकुलम जो डिटेल्स दी गई है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, जिसे आप यहाँ से पूरा का पूरा कम्प्लीटली समझ सकते हैं। यही तरीके से बात करें कि पाठ्यक्रम कितने घंटे का है, किसके लिए ये पाठ्यक्रम बनाया गया है, ये छात्र क्या सीखेंगे, ये जो कोर्स होगा उसमें GIS के बारे में समझाया जाएगा, देशांतर अक्षांश जो रेखाएं हैं, नक्शे का जो प्रक्षेपण है उसको हम यहाँ से सीखेंगे। इसी प्रकार हम बात करें कि छात्र क्या किस प्रकार इस कोर्स में सीख पाएंगे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से यहाँ बताया गया है यह कैसे उपयोगी होगा कि आप भूमि की नाप कर पाएंगे, जियो टैगिंग कर पाएंगे, GIS डेटाबेस तैयार कर सकेंगे, मानचित्र बना सकेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही उपयोगी है। इस कोर्स को करने के बाद रोजगार के भी काफ़ी सारे अवसर हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचा प्रबंधन आप सीख सकते हैं, भू प्रबंधन को आप सीख पाएंगे, सतत कृषि प्रबंधन को आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, प्राकृतिक संसाधन का जो प्रबंधन है, आजीविका प्रबंधन है, आर्थिक अवसर प्रबंधन है, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थल है उनका प्रबंधन आप कर सकते हो, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन कर सकते हो, संरक्षण प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, इन सभी के लिए ये कोर्स हमारा बहुत ही उपयोगी होगा। सरकारी योजनाओं में भी GIS का उपयोग किया जाता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कई तरह के महानरेगा के या फिर जियो टैगिंग के अकॉर्डिंग जो कई बार रिपोर्ट्स
अधिकारियों को भेजनी होती है तो वो यहाँ से इजी वे में इस कोर्स से सीखकर आराम से भेज सकते हैं। देखो यहाँ पर जियो टैगिंग महानरेगा का जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह टैगिंग होती है। ये पूरी पाठ्यक्रम की एक संरचना यहाँ पर दिखाई गई है कि पाठ्यक्रम को 4 मॉड्यूल्स में और 11 विषयों में विभाजित किया गया है और ये जो कोर्स है इसकी अवधि 30 घंटे और ये सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क के ऊपर आधारित ये कोर्स है हमारा। जिसे अलग अलग सेगमेंट्स की हम बात करें तो 4 मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड करके और 11 विषयों में इसको विभाजित किया गया है, जिसे आप पूरा का पूरा यहाँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा पाठ्यक्रम की संरचना, ये किस प्रकार से आप इसको यूज़ में कर सकते हैं, कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे, ये कम्प्लीटली जानकारी आप लोगों को हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अब बात ये आती है कि एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाने के बाद, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमने बताई उसके बाद में संबंधित व्यक्ति के पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वो किस प्रकार लॉगिन करेगा, देखिए यहाँ मैं डैशबोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ और ये लॉगिन करने का जो प्रोसेस है हमारा वो यहाँ से माई अकाउंट और स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हो, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, कि आपके पास जो आपका यूज़र आईडी और आपका जो पासवर्ड है उसके थ्रू आप इस लॉगिन आईडी के पासवर्ड के द्वारा इसे आप ओपन कर पाओगे। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें यूज़र आईडी जो है वो संबंधित व्यक्ति की ईमेल आईडी, जिसने भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ से देखिए हम लॉगिन कर रहे थे, यहाँ मैंने ईमेल आईडी लिखा और उसके बाद में हमने मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में लिखा है और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हुई और प्रॉपर तरीके से आपका आईडी पासवर्ड सही हुआ तो एग्जैक्टली आप अपना इस को लॉगिन कर पाओगे। अभी मैं इसके पासवर्ड को देख रहा हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है और फिर से मैं दोबारा इसमें एंटर कर रहा हूँ और यहाँ इसे हम पासवर्ड के बाद में ये जो कैप्चर कोड दिया गया है इस कैप्चर कोड को हमें यहाँ कैप्चर कोड को लिख के और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस प्रकार आपके पास सक्सेस का मैसेज आएगा और ओके करेंगे। मैं आप लोगों को एक जानकारी और बता दूं, अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार इस को लॉगिन किया है तो उसे अपनी प्रोफाइल में जाकर, अपनी माई प्रोफाइल में जाके और उसे यहाँ तो फोटो अपलोड की हुई है, उसे अपना जो फोटो है वो फर्स्ट टाइम अपलोड करना होगा, उसी के बाद में वो अपनी लर्निंग को कम्प्लीट कर पाएगा। देखिए यहाँ हम अब इसमें एग्जैक्टली जो फ़ोटो डाउनलोड किया हुआ है वो सेगमेंट हम यहाँ से देख रहे हैं। कोई भी फ़ोटो जो आप यहाँ पर डाउनलोड की हुई होगी आपने, उस फोटो को आपको यहाँ से सेव करना है। अब मैं फ़ोटो की बात कर रहा था कि फ़ोटो मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है और इस फोटो को अब अपन प्रोफाइल के रूप में कैसे अपलोड करेंगे उस प्रक्रिया की भी बात कर रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से इसमें लर्निंग कर पाएंगे और अपने इस प्रोसेस को आप आगे भी बढ़ा पाएंगे। देखिए ये एक प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ। अब बात आती है कि लर्निंग में जो 4 मॉड्यूल दिए गए हैं उनकी लर्निंग कैंडिडेट किस प्रकार करेगा और लर्निंग कंप्लीट होने के बाद वो कैसे अपने सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर पाएगा और किस प्रकार इस कोर्स को पढ़ने के बाद कैंडिडेट्स को लाभकारी होगा, ये जानकारी हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ VLE भाइयों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं कि वो लोग जब इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद वो किस प्रकार स्टूडेंट को यहाँ पर उसकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पर अपलोड फोटो पे क्लिक किया और इस प्रकार से ये कम्प्लीटली मेरा प्रोफाइल कम्प्लीट हो जाता है। अब आप देखिए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड के ऊपर आप वापस जाते हैं ये कुछ देर प्रोसेस करेगा और ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली डिस्प्ले हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट डैशबोर्ड पैनल दिख रहा है। ये पेड कोर्स है या फिर फ्री कोर्स है तो इसको CSR के तहत फ्री कोर्स के रूप में महिलाओं के लिए CSC के द्वारा, और जो एग्जैक्टली हम बात करें कि इस कोर्स में ESRI जो इसके साथ जुड़ा हुआ है CSC अकेडमी के साथ में, जो CSR के तहत इसे भू कौशल
प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो ये जानकारी हम आपने आप लोगों के साथ साझा की। अब बात आती है हमारे कोर्स की कि आप इस कोर्स को कैसे ब्राउज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है हमारा भू कौशल जो प्रशिक्षण है उसके कंटेंट के बारे में यहाँ दिया हुआ है, पूरा का पूरा आप ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ। ये इसका जो पहला यूनिट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, ये मैप के बारे में लर्न करके आप लोगों को बताएगा। इसी प्रकार 4 यूनिट में आप जाके और इसमें डेटा को कलेक्ट कैसे करो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 4th यूनिट में यहाँ दिया गया है कि सैटेलाइट से एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, सैंपल किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, GPIS का जो यूज़ मैंने सैटेलाइट के थ्रू बताया आपको। लास्ट इसका क्विज़, ये देखो एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे। अब ये अभी तो आपने लर्निंग कंप्लीट नहीं की है इस वजह से आपका ये पार्ट आगे नहीं चल पाया है। तो ये जानकारी हमने आज आप लोगों को क्विकली हमारे इस वीडियो के माध्यम से साझा की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा इस कोर्स के बारे में किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएँ प्रशिक्षणार्थी जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का चयन इस कोर्स के लिए किया गया है और आप VLE हैं तो आप अपने क्षेत्र में ऐसे 75 महिलाओं का चयन करें जो रुचिकर हों इस कोर्स को सीखने के लिए, जिनको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी हो, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकें, साथ में एक नए भारत का जो निर्माण हम नव भारत की जो कल्पना कर रहे हैं जो कि गाँव में बसता है, और गाँव के लोग अगर इस प्रकार के भू कौशल को सीख पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे एक नए भारत का निर्माण हो पाएगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। भू कौशल प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करें, सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त हो, ये सब जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भू कौशल प्रमाण पत्र के लिए हम प्रशिक्षणार्थी जो हैं, जो महिलाएँ इसमें रजिस्टर्ड की जाएंगी, सो जिनकी उम्र 16 से 40 साल है, उसको हम कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। एक VLE को 75 जो लिस्ट हैं वो अलोटेड की गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट कैसे DG पाठशाला के ऊपर जाके अपनी लॉगिन ID को लॉगिन कर पाएगा। साथ में हमने देखा कि इसका जो भू कौशल प्रमाण पत्र है उसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसमें कंटेंट हैं, किन किन जानकारियों को ये इस कोर्स में सिखाया जाएगा, और सबसे मज़ेदार बात, जो 75 स्टूडेंट को चयन किया जाएगा उसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। ये निःशुल्क कोर्स CSE के माध्यम से और ESRI के माध्यम से CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू ये कोर्स पूरे इंडिया में सिखाया जा रहा है। इसलिए VLE भाई इस कोर्स को ज़रूर करें, और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो अपने नज़दीकी CSE सेंटर से जाके संपर्क करें और इस कोर्स में ज़रूर रजिस्टर्ड कराएँ। धन्यवाद।